अब सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मेन सप्रेस्ड। पहले पढ़े हम लोग मेंस्ट्रुएशन, हैवी डिस्चार्ज, टू अर्ली। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेन सप्रेस्ड, डिलेड एंड स्टॉप एंड मेनोरिया। ठीक है, ये सारे वर्ड कितने मेडिसिनों में पाया जाता है, अब इसको एक एक करके हम ध्यान से समझेंगे पूरे एलेंस की नोट में। एकोनाइट, एमोनिरिया, स्टॉपेज ऑफ मेंसेस, एमोनिरिया मेंस ना होना। प्लेथरिक यंग गर्ल आफ्टर फ्लैट टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ द मेंसेस। अगर डर के मारे अगर कोई डर गया है, कोई भूत प्रेत या कोई भी ऐसा चीज देख लिया है, डर गया है, किसी सांप देख लिया, चाहे कुछ हुआ, डर जाने के बाद में अगर उसका मेंस बंद हो गया है, देन यू थिंक द एकोनेट। ठीक है, एक्टिया रेशिमोसा, मेंसेस इरेगुलर एग्जॉस्टिंग डिलेड इन सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन फ्रॉम कोल्ड फ्रॉम फीवर विथ कोरिया हिस्टेरिया एंड मेनिया। इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंटल सिम्टम के साथ में कोरिया हिस्टीरिया मैनिया अगर आप पाया जाता है देन यू गो फॉर द सेमी फीवर और एक्टिया रेशिमोसा। एपोसाइनम भी बहुत अच्छा है सप्रेस्ड मेंस के लिए है। एमोनिरिया स्टॉपेज ऑफ मेंसेस इन यंग गर्ल विद ब्लॉटिंग ऑफ ड्रॉक्सिकल एक्सटेंशन ऑफ द एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज। पैरों में और एब्डोमेन में अगर स्वेलिंग है और उसका मेंस नहीं हो रहा है देन यू गो फॉर एपोसाइनम। ठीक है, कोनियम में का एमोनिरिया कैसा होता है, मेंसेस फीबल और सप्रेस्ड, टू लेट स्कैंटिंग और शॉर्ट ड्यूरेशन विद रेसेस ऑफ स्मॉल पिंपल्स ओवर बॉडी विच सीजेस विद द फ्लो। मेंस ये देखो एक पिगुलर सिम्टम है, रेड पिंपल्स ओवर द बॉडी विच सीजेस विद द फ्लो स्टॉप्ड बाय टेकिंग कोल्ड बाय पुटिंग हैंड इन ए कोल्ड वाटर। ठीक है, कोनियमिक का देखो कैरेक्टर कैसा है, एप्रुशिया, एप्रुशिया भी अमोनिरिया के कैसे है, लेकिन एप्रुशिया के पास जाने के पहले क्या होना चाहिए, विथ कैटरल सिम्टम ऑफ आईज एंड नोज, नाक और आंख से पानी निकलना, सर्दी जैसे स्ट्रक्चर होना, अगर है प्रोफ्यूज एक्टिव लैक्रिमेशन है उसके साथ अगर अमोनिरिया है स्टॉपेज ऑफ मेंसेस देन यू गो फॉर द एप्रुशिया। मेंसेस पेनफुल एंड रेगुलर नाउ लास्टिंग ओनली वन आवर, एक घंटा ही मेंस होता है, और लेट स्कैंटिंग शॉर्ट लास्टिंग ओनली वन डे। कितने पेशेंट आते हैं देखेंगे मेंस सिर्फ एक दिन ही होता है और नहीं होता है, सिर्फ एक घंटे ही हुआ और नहीं हुआ, देन यू गो फॉर एफ्रुशिया एंड सेकेंड इज बेल्ट्रा। ग्रेफाइटिस का कैसा हो गया मैंने लिया वो देखो, मेंसेस टू स्कैंटी पेल लेट विथ वायलेंट कोलिक इरेगुलर डिलेड फ्रॉम गेटिंग फिट वेट। फिट अगर वेट हो गया भींग गया पानी में ये हो गया उसके बाद में मेंसेस डिले हो रहा है। अदर मेडिसिन इज पल्स्टिला एंड ग्रेफाइटिस। लैकेसिस, मेंसेस एट रेगुलर टाइम टू शॉर्ट स्कैंटिंग फीबेबल पेन रिलीव बाय द फ्लो ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस दैट इज द लैकेसिस। लैकेसिस पेशेंट का इरेगुलर होगा, मेंसेस एट सॉरी रेगुलर होगा टू शॉर्ट स्कैंटिंग, रेगुलर मेंसेस हर टाइम पर एक टाइम होगा लेकिन डिस्चार्जेस बहुत कम होगा दैट इज लैकेसिस। रेगुलर इन टाइम टू शॉर्ट स्कैंटिंग एंड फेवरेबल पेन रिलीफ बाय फ्लो, जितना फ्लो होगा उसका पेन कम हो जाएगा। ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंस, मेंस के समय वो बहुत ज्यादा कंफर्ट रहता है दैट इज लैकेसिस। लैक डिफ्लोरम, मेंस डिलेड सप्रेस्ड बाय पुटिंग हैंड इन अ कोल्ड वाटर। कोनियम भी है, अगर हाथ पानी में अगर हाथ डालते हैं उसका मेंसेस बंद हो जाता है। ड्रिंकिंग ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क विल प्रॉम्प्टली सप्रेस फ्लो अंटिल नेक्स्ट पीरियड। मिल्क अगर
लेती है तो उसका मेंस ठीक रहता है। कंपेयर फास्फोरस लिलियम टेक एमनीडिया में कैसे दोगे? मेंसेस अर्ली स्कैंटी डार्क एंड ऑफेंसिव फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट। इसका फ्लो जब मूव कर रहे हैं तभी ब्लीडिंग होगा। कीजेस टू फ्लो व्हेन दिस सीजेस टू वॉक अबाउट ऑन लेइंग डाउन इज क्यूरोजेट एंड मैग्नेशिया कार एंड वॉक अबाउट में लिलियम टेक। पोडोफाइलम सप्रेस्ड मेंसेस ऑफ यंग गर्ल का अगर सप्रेस्ड है मेंस नहीं हो रहा देन थिंक द थ्री मेडिसिन पर्सला ट्यूबरक्लोसिस एंड पोडोफाइलम। पर्सला इज हॉट ट्यूबरक्लोनम हिस्ट्री अगर ट्यूबरक्लोसिस का है। पल्सेटिला वोमेन इंक्लाइंड टू बी फ्लेसी इन स्कैंटिंग एंड प्रोटेक्टेड मेंस्ट्रुएशन दैट इज ग्रेपेटिस आल्सो है। और पर्सला को मैचाने का तरीका है डीएजमेंट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज के पहले अगर होता है तो पर्सला को ही सोचना चाहिए। मेंस सप्रेस्ड फ्रॉम गेटिंग द फिट वेट पानी में भींग जाना या पानी में तैरना पानी में जाना उसके बाद अगर मेंस बंद हो गया है देन यू गो फॉर पल्सेटिला। टू लेट स्कैंटिंग स्लिमिंग पेनफुल इरेगुलर इंटरमिटेंट फ्लो विद इवनिंग चिलीनेस शाम को बहुत ज्यादा जाड़ा लगना विद इंटेंस पेन एंड ग्रेट रेस्टलेसनेस एंड टसिंग अबाउट फ्लो मोर ड्यूरिंग डे और लाइंग डाउन में अगर फ्लो होता है दैट इज क्लियोजेट डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पहला मेंस आने में बहुत टाइम लग रहा है देन आल्सो गो फॉर पल्सेटिला। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसमेनोरिया पेनफुल मेंसेस। ठीक है डिसमेनोरिया फ्लो ब्लैक स्टिंगिंग क्लॉटेड अस्टिलागो क्रोकस स्टाइपा। हर समय जनरली क्या होता है हम लोग कितना गलत डिसीजन करते हैं डिसमेनोरिया हो रहा है पर अस्टिला दे दो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एलेंस की में बोल रहा है एलेंस की में है उसको ही फॉलो करो तभी रिजल्ट मिलेगा नहीं तो खा खा के मर जाओगे ठीक नहीं होगा। सेकेंड डिसमेनोरिया विद वोमिटिंग एंड पर्जिंग एग्जॉस्टिंग डायरिया विद कोल्ड स्वीट एमन काल एंड भविष्ठा इज सो वीक कैन सेक्रेसली स्टैंड फॉर टू डेज ईच मेंस्ट्रुएशन नर्सेस एलुमिना कार्बोनेनस एंड स्कोकस दैट इज बेड्रम एल्बम। देयर इज दो मेडिसिन है क्रोकस स्टाइबन एंड बेड्रम एल्बम दोनों को अलग अलग सिम्टम से पहचान जा सकते हो। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.